प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 4 पार्ट 11 पढ़त्व की सूझ नामक पाठ से आपके लिए एक वर्कशीट लेकर आया हूँ। बच्चों, कक्षा 4 हिंदी पढ़त्व की सूझ कविता से एक क्विज है। इसमें 15 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस बहुविकल्पी हैं। आपको सही उत्तर का चयन करके उत्तर के स्थान पर लिखना है। सबसे पहले आप अपना नाम, रोल नंबर, वर्ग भरेंगे। बच्चों, आइए अब कुछ स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पढ़क्कू कैसा था? ए मोटा, बी तेज, सी मूर्ख, डी चालाक। इन चारों में से जो उत्तर सही है उसको आप उत्तर के स्थान पर लिखें। प्रश्न 2, पढ़क्कू क्या पढ़ता था? ए कहानी, बी कविता, सी तर्कशास्त्र, डी अर्थशास्त्र। इन चारों में से ए बी सी डी में से जो आंसर सही है उसको आप लिखें। 3, पढ़क्कू क्या करता था? ए नई कहानी, बी नई बात, सी नई चुटकुले, डी नई सुबह। बच्चों, सही उत्तर का चयन कर लिखें। 4, कौन बड़ा गजब था? ए मालिक, बी बैल, सी पढ़क्कू, डी कोल्हू। आप सही उत्तर का चयन कर उत्तर के स्थान पर लिखिए। 5, कोल्हू में क्या घूमता है? बच्चों, ए गाय, बी भैंस, सी बैल, डी शेर। इन चारों में से जो आंसर सही है उसको सिलेक्ट करें और उत्तर के स्थान पर लिखें और आगे बढ़ें। 6, पढ़क्कू मालिक के बारे में क्या सोचता रहा? ए कि उसने बैल को मारा है, बी कि उसने बैल को भगा दिया है, सी कि उसने बैल को कुछ सिखा दिया है, डी कि बैल से कुछ सीखा है। इन चारों में से जो उत्तर सही है उसको उत्तर के स्थान पर आप लिखें। 7, कविता में बैल के गले में क्या है? बच्चों, इसका आंसर कविता के आधार पर देना है। ए घंटी, बी घड़ी, सी मटका, डी चाकू। सही उत्तर आप लिखें। 8, मालिक कब फिक्र नहीं करता है? ए जब तक बैल घूमता रहता है, बी जब तक घंटी बजती रहती है, सी जब तक बैल सो रहा होता है, डी जब तक बैल रुका होता है। बच्चों, सोच विचार कर जो उत्तर सही है कविता के आधार पर उत्तर सही लिखें। 9, बैल अभी तक क्या नहीं पढ़ पाया है? ए मंतिक, बी कॉलेज, सी स्कूल, डी किताब। सही उत्तर को चयन कर आप लिखें। 10, पढ़क्कू की सूझ कविता के रचयिता हैं। बच्चों, इनके 4 ऑप्शन हैं। ए रामधारी दिनकर, बी श्याम सुंदर, सी जयशंकर प्रसाद, डी सूर्यकांत त्रिपाठी। बच्चों, सही उत्तर को आप लिखें। 11, कोल्हू में पीस कर क्या निकाला जाता है? ए रस, बी तेल, सी झाग, डी पानी। इन चारों में से जो सही उत्तर है उसका चयन कर दिए गए स्थान पर लिखें और आगे बढ़ें। 12,
बैल का लिंग परिवर्तन क्या होगा? ए भैंस, बी भेड़, सी गाय, डी बकरी। इन चारों में से जो सही उत्तर है उसको आप लिखें। 13, बैल का सही समानार्थी शब्द है। ए गाय, बी सांड, सी वृषभ, डी भैंसा। सही उत्तर का चयन करें और उत्तर के स्थान पर लिखें। 14, कौन पशु जुगाली करता है? ए घोड़ा, बी गधा, सी बकरी, डी कुत्ता। इन चारों में से जो पशु जुगाली करता है उसका चयन कर उत्तर के स्थान पर लिखिए। 15, बच्चों चित्र देखिए, कोल्हू में क्या घूमता है? ए गाय, बी बैल, सी भैंस, डी घोड़ा। बच्चों आप चित्र को भी पहचानिए और देख करके इसका सही आंसर लिखिए। बच्चों आपकी सुविधा के लिए मैंने इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने का प्रयास किया है। आइए मिलान करते हैं। ए 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी, 4 का ए, 5 का सी, 6 का सी, 7 का ए, 8 का बी, 9 का ए, 10 का ए, 11 का बी, 12 का सी, 13 का सी, 14 का सी और 15 का बी। अब आप अपने प्रश्नों के जो उत्तर आपने लिखे हैं उनको मिलान करके आप देखिए 15 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बच्चों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।